कोविड टीम का नेगेटिव है और यू हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म।
लक्ष्य बैच में जो हमारा कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि व्हाट आर द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, फिर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा है। अब हम लोगों को उसके बाद दो चीजें और पढ़ा है कि ट्रांसमिशन लाइन में लो लॉस या लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, या दूसरा जो हमें बोलना चाहिए कि डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो एक बार फटाफट शेयर कर दो सेशन को, ठीक है, सेशन को शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम लोग इसमें कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसको शेयर कर दिए होंगे, है ना। अब मैं आपको जैसा कि बताया कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो आज का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जा सकते हैं और कौन से साडिकू के क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि मेरा कमिटमेंट था आप लोगों से कि मैं सारे साडिकू के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को लाइव क्लास में। ठीक है, दो तरीके से साडिकू के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ। दूसरा वो स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो टेक्निकल बर्फी के फॉर्म में सेपरेटली एक साडिकू का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, उसमें कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी थ्योरी डिस्कशन में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हेलो अनिरुद्ध, गुड इवनिंग, थैंक यू डियर, थैंक यू आदर्शा, ज्ञानेंद्र, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो सभी लोग आ चुके हैं, तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो दिस इज साकेत वर्मा एंड आई हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन द ईयर 2010। ठीक है, इन द सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, जिनको भी नहीं मालूम है ना उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि इन द सिग्नल प्रोसेसिंग आई हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ओके, I have cracked the PSU exam like Airport Authority of India, DRDO and Bharat Electronics Limited. I am having a 10-year experience more than that and I have mentored more than 25,000 students. If I talk about these subjects are very important for the GATE EC and these two subjects for the GATE EC covers 20 to 25 marks. Aur agar aap chahte ho ki ye 20 se 25 marks mein aap maximum achieve karo, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना है साकेत 10, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिले और साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप मिले। और आपको अनअकैडमी प्लस क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे मिलता है ऑन टाइम क्लासेस, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विजेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज, टू सब्जेक्ट एट अ टाइम, मतलब कोई भी बर्डन नहीं, डाउट क्लियरिंग बैच, इंटरेक्टिव क्लासेस, लीडर बोर्ड। ठीक है, लाइव लीडर बोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, आपको जल्दी से जल्दी कम टाइम में सॉल्व करके बताना है और आपको अपना रैंकिंग चेक करना है पूरे क्लास में, जब 500-600 स्टूडेंट बैठे रहते हैं और उसमें अगर आप फर्स्ट सेकेंड ऐसा रैंक लेके आते हो तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा बाय द टॉप एजुकेटर, आप अपने पसंद के एजुकेटर से पढ़ सकते हो, आपको एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल सब्जेक्ट को एक्सेस करने का मौका मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्लस में आपको क्या मिल गया, लाइव क्लासेस में क्या क्या चीजें मिलेंगी वो मैं बता दिया आपको। सेकेंड, आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिलेगा और क्रैश कोर्स भी मिलेगा, तो ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी और ये सारी चीजें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। और फिर ये डाउट सॉल्विंग सेशन और वीकली टेस्ट, हर फोर्थ क्लास जो होता है वो डाउट सॉल्विंग होता है और हर वीक एक टेस्ट होता है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी इसके साथ, आपको पर्सनल कोच एक्स्ट्रा और स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा। और ये पर्सनल कोच आपके स्टडी को पूरा प्लान करेगा, डे टू डे आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, पूरे स्टडी बूस्टर सेशंस लगाए जाएंगे, जो भी आपका वीक एरिया है उसमें आपका बूस्टर सेशन लगेगा,
और साथ में आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी टेस्ट होगा आपका, उसका एनालिसिस भी आपको करके प्रोवाइड किया जाएगा। तो 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आपको 1.5 ईयर और 2 ईयर, क्योंकि गेट के बाद भी आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है साकेत10 टू गेट द 10% डिस्काउंट अलॉन्ग विथ माई मेंटरशिप, एंड यू कैन ऑल्सो अवेल द नो कॉस्ट EMI ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। ये आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, इसमें 1.5 ईयर का नहीं है, 1 ईयर या तो 2 ईयर है। सेम कोड आपको यूज करना है साकेत10, और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बैच के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 28 अप्रैल को EDC की क्लासेस चालू हुई है, तो उस EDC के क्लास में एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हो कोड साकेत10, ठीक है। और ये GATE 22 और GATE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल के लिए हो। SN बैच GATE 23 बैच J, इवॉल्व बैच GATE 22 बैच J, दैट इज फॉर GATE 22, SN बैच GATE 23, इवॉल्व बैच GATE 22 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चारों आपका हो जाएगा। और फिर अब आते हैं हम लोग अनअकैडमी कॉम्बैट में। अगर आपको चाहिए कि 10% डिस्काउंट मिले और उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट की चाहत है, और अगर आपने पढ़ रखा है कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्ट, तो आप अपने आपका लक ट्राई कर सकते हो और आप अपने कॉम्बैट को अनअकैडमी कॉम्बैट के थ्रू स्कॉलरशिप पा सकते हो। इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है कोड साकेत10, ठीक है। तो आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा, और स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री में देने मिलेगा। और फिर आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो और अगर 100 100 रैंक लेके आते हो, तो आपको 25% और ऑफ मिल जाएगा, 50% और ऑफ मिल जाएगा, यहाँ पे 75 मिल जाएगा। और अगर आप टॉप 3 में आ गए तो आपको तो 10%, तो क्या आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा, फ्री में मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये होता है आपके पास पूरा का पूरा अनअकैडमी कॉम्बैट का एडवांटेज। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू चंद्रेश, थैंक यू डियर समीर, भोजराज, थैंक यू मोनिका, थैंक यू सिद्धार्थ, ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच। तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, मैं आपको एक बार बता दूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हमने पढ़ रखा है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, हमने लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रखा है। इसके चारों आंसर्स क्या आए थे, अल्फा की वैल्यू 0 आई थी, बीटा का वैल्यू ओमेगा रूट LC आया था, ठीक है, और इसके बाद VP का वैल्यू 1/√LC आया था, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये तीन चीजें आने के बाद नेक्स्ट हो गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस √L/C आया था, ठीक है। ये सब हमारा लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए था। और ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा टाइप, वो था डिस्टॉर्शन लेस लाइन। डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों को अल्फा की वैल्यू मिली थी √RG, ठीक है, फिर बीटा की वैल्यू सेम मिली थी ओमेगा √LC, ओके, एंड VP की वैल्यू भी हमको सेम मिली थी 1/√LC, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हमको दो वैल्यू मिली थी, एक था √R/G और √L/C। अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप इस चीज को सोचो तो ये एक रियल नंबर है ना, एक रियल क्वांटिटी है, ये एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस यहाँ पे एक रियल क्वांटिटी आ रही है, तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन जो है वो एक रियल नंबर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है, यहाँ पे भी एक रियल आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस रियल होता है फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, यहां तक सभी को याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कैप्टन प्रिंस, आप बिल्कुल अब और ट्राई मत करो, ले लो, क्योंकि ले जितना आप ट्राई करते जाओगे, देखो ट्राई करने का तो लिमिट खत्म नहीं होगा। आप तो यही चाहोगे कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, तो
ठीक है, तो आप 39 में 50% मिल रहा है तो बिल्कुल सही है। अब और लेट करोगे तो बैच से आप दूर होते जाओगे, ठीक है, बैच आपका पीछे होते जाएगा। तो 50% इज वेरी गुड अमाउंट, डिस्काउंट आपको बहुत अच्छा मिल चुका है, तो आपको और ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राई करोगे फिर मान लो 25 रैंक आया फिर भी आप अंडर 50% डिस्काउंट के लिए ही एलिजिबल रहोगे, फिर आप बोलोगे कि मैं और ट्राई करूंगा, तो ऐसे करके आपका दिन जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो बेटर है कि सब्सक्राइब कर लो, जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसमें आज की डेट में ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू कृष्णा, ठीक है। चलो तो ये थर्ड हम लोगों का जो टाइप है ये होता है लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन क्या है, ठीक है, इसकी कंडीशन देखो, देखो लॉस है बट लो है, ठीक है, लॉसेस हैं बट लो है, मतलब आर तो जीरो नहीं हो सकता, तो यहां पे आर वेरी वेरी लेस देन जे ओमेगा सी एंड जी जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल एंड जी इज वेरी वेरी लेस देन जे ओमेगा सी, ये कंडीशन है। ठीक है, देखो कंडीशन फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज, लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन इज दैट आर शुड बी वेरी वेरी लेस देन जे ओमेगा एल एंड जी शुड बी वेरी वेरी लेस देन जे ओमेगा सी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि R अपॉन जे ओमेगा एल का रेशियो 1 से बहुत छोटा होगा और G अपॉन जे ओमेगा C का रेशियो भी 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो पहला एम हमारा क्या होता था, गामा कैलकुलेट करना, गामा मतलब अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना, तो ठीक है अल्फा और बीटा कैलकुलेट करते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, आर और जी को कॉमन ले रहे थे, तो आर और जी को कॉमन लेने से जे ओमेगा एल डिवाइड बाई आर आएगा, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब मैं यहां पे क्या कॉमन ले रहा हूं, जे ओमेगा एल एंड जे ओमेगा सी, ये दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां से क्या बन जाएगा, ये वन प्लस आर अपॉन जे ओमेगा एल एंड वन प्लस जी अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, ये आ जाएगा, ये थोड़ा नीचे लिखा हूं क्योंकि यहां पे लिखा नहीं रहा था। ठीक है, तो वन प्लस आर अपॉन जे ओमेगा एल वन प्लस जी अपॉन जे ओमेगा सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो R अपॉन जे ओमेगा एल, यहां से हम देख सकते हैं कि R अपॉन जे ओमेगा एल वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि यहां पे क्या हो रहा है। जे ओमेगा कॉमन निकल जाएगा यहां पे, मतलब कॉमन निकल चुका है, रूट से बाहर आ गया एंड देन रूट ओवर एल सी। देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जे ऊपर ले जाते हैं 1 माइनस जे अपॉन आर ओमेगा एल एंड पावर 1 बाय 2 1 माइनस जे जी अपॉन जे ऊपर चला गया ओमेगा सी पावर 1 बाय 2। ठीक है, यही आएगा, क्लियर। अब बताओ यहां पे क्या एडवांटेज है, अगर इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को क्या एडवांटेज होगा, व्हाट वुड बी द एडवांटेज इफ वी राइट लाइक दिस। अब हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, क्योंकि आर अपॉन जे ओमेगा एल वेरी वेरी लेस देन 1 था, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टर्म इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, यही होगा, यस, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, वेरी गुड। ठीक, तो यहां से हम लोगों को मिल गया जे ओमेगा रूट एल सी देन
वन प्लस जे आर अपॉन टू ओमेगा एल एंड वन प्लस जे जी अपॉन टू ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जे ओमेगा रूट एल सी, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये आ गया वन प्लस जे आर अपॉन टू ओमेगा एल प्लस जे जी अपॉन टू ओमेगा सी माइनस आर इंटू जी अपॉन फोर इंटू ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है, हाय जनेसु, हाउ आर यू। सो पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये सब ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ना। यहाँ पे आप देखो एक चीज कि ये दोनों टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आर और जी को, तो यहाँ से बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये आर और जी को हम मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी वेरी 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 लेस देन ये जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस आर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी, यहां से यही आएगा माइनस आर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी इज वेरी वेरी लेस देन वन। तो इनके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगी, ऊपर से ये माइनस साइन भी है, तो यानी कि इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। ये जो टर्म है ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेगलेक्टिंग दिस टर्म, इसको नेगलेक्ट कर दिए। ठीक, तो अब यहां से हमारे पास आ गया जे ओमेगा रूट एल सी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ, ये माइनस क्यों आ गया, अच्छा आप लोग बताए नहीं, ये माइनस नहीं होगा ना यहाँ पे, ये प्लस नहीं होगा ना, माइनस होगा क्योंकि ये पावर तो 1/2 है, तो 1/2 है ना, तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक रह गया है, ये माइनस नहीं होगा बेटे। ठीक है, देखो ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई किए वन आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, जे माइनस माइनस प्लस हो गया, जे स्क्वायर के कारण भी माइनस आए, तीनों माइनस आएंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज मिसिंग था। ओके, नाउ यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस जे स्क्वायर के कारण ये हो गया प्लस, तो ओमेगा रूट एल सी इंटू आर अपॉन टू ओमेगा एल एंड देन यहां पे भी आ जाएगा प्लस ओमेगा रूट एल सी एंड जी अपॉन टू ओमेगा सी, और ये तो नेग्लेक्ट हो चुका है तो इसके लिए बात ही नहीं है। ठीक है, ये माइनस साइन था अंदर, ठीक है, ये तो ठीक कर लिया अपन इसको। और यहां लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस जे बीटा है, लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस जे बीटा, तो ये आपको दिख रहा है इमेजिनरी टर्म, ठीक है, और ये आपको पूरा दिख रहा है रियल पार्ट, तो इसको कंपेयर कर लो, तो इसको कंपेयर करोगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा रूट एल सी, तो ये बिल्कुल सेम आ गया जो अभी तक हम लोगों ने डिराइव किया है। जितना भी अभी तक हम लोगों ने लॉसलेस के लिए ये सब के लिए पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही आ गया ये। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू लिखो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये रूट एलसी को हम अंदर लेके चले जाते हैं, है ना, इसको अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये आ गया पहला चीज, तो ये कि ओमेगा कैंसिल हो गया, इसको कलर अलग कर लेता हूं, ये ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा कैंसिल हो चुका है, यहां पे भी ओमेगा कैंसिल हो गया,
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये एल स्क्वायर को मैं अंदर लेके जा रहा हूं रूट के, तो सी बाई एल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया आर अपॉन टू रूट ओवर सी बाई एल प्लस, सेम यहां पे भी वही करो, सी स्क्वायर को अंदर ले जाओ, मतलब ये रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी अपॉन टू रूट ओवर एल बाय सी। बताओ ये क्लियर है? चलो बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, यहां तक आ गया अल्फा और बीटा आ गया, क्या बच गया? वीपी, वीपी क्या होगा? सेम होगा ना, वीपी क्या होगा क्योंकि बीटा सेम आ गया, तो वीपी के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा, और क्योंकि बीटा हमारा सेम आया है जो लॉसलेस में आया था और डिस्टॉर्शनलेस में आया था, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख लेंगे वन अपॉन रूट एल सी। बच गया Z नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस, लास्ट टर्म एक बच गया Z नॉट। ठीक है देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस हम लिखते हैं, तो Z नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी, सेम चीज यहां पे भी करना है, जो जो चीज हम लोग कॉमन निकाले थे डिस्टॉर्शन लेस में भी हमने वही किया था, गामा में हमने आर और जी को कॉमन निकाला था, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस में भी आर और जी को कॉमन निकाले थे, यहां पे भी हम लोग जे ओमेगा एल को कॉमन निकालेंगे जैसा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक अल्फा और बीटा के लिए किया, तो जे ओमेगा एल और यहाँ पे जे ओमेगा सी को कॉमन निकाल लिए, तो ये क्या बन गया देखो वन प्लस, ठीक है, आर अपॉन अगेन ये जे ओमेगा एल, और इसके अंदर यहां पे क्या आ जाएगा, ये पावर ऊपर चला गया माइनस वन आ जाएगा, वन प्लस जी अपॉन जे ओमेगा सी पावर माइनस वन। बताओ ये लाइन ठीक है क्या? चलो जल्दी से बताओ ये लाइन ठीक है। हाय सत्यम, थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आप लोग कंटेंट को एंजॉय करते हो और यहाँ पे आके मेरे बर्थडे को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हो मेरे बर्थडे को। ठीक है, क्योंकि बर्थडे के दिन टीचिंग करना एक अपने आप में इंजॉयबल चीज़ है, जनरली ऑफलाइन जब क्लासेस होती है तो स्टूडेंट जो है वो केक वगैरह भी लेके आते हैं, बट कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ वर्चुअली एज्यूम कर लेंगे कि हमने केक कट किया है, और आप लोग भी अपने घर में कुछ स्वीट्स वगैरह खाओ, है ना, और मैं तो खैर केक कट किया ही हूँ तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना बर्थडे, मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और आप लोग साथ हो तो उसका मज़ा ही अलग है, और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, है ना, और हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन यानी कि हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सब्जेक्ट ही ऐसा है कम्युनिकेशन का, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन हमेशा बना रहेगा, और एंटीना के थ्रू हम लोग एक दूसरे को सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव करते रहेंगे, तो ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और जिस तरीके से हम इसको रिलेट भी कर पा रहे हैं, है ना, और YouTube हमारे लिए करियर का काम कर रहा है, जो मेरे नॉलेज को या मेरे कंटेंट को आपके तक कैरी करके ले जा रहा है, तो एक करियर का काम कर रहा है। ठीक है, सो यहां तक आपका आ चुका है, तो ये जे ओमेगा कैंसिल हो गया और कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस आ गया रूट ओवर एल अपॉन सी, और ब्रैकेट में हमारे पास वन प्लस, इसको मैं माइनस लिख लूं, ये वन माइनस ये जे ऊपर ले गया,
जे आर अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, और ये पावर यहां पे 1/2 है, ठीक है। अब यहां पे देखना, 1 माइनस जे जी अपॉन ओमेगा सी पावर -1/2 होगा यहां पे, ठीक है। ये रूट के कारण 1/2, ये -1 तो पहले से ही था क्योंकि ये यहां पे ये डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर जाके यहाँ पे -1/2 हो गया। अब यहां पे भी सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगाओगे क्योंकि रीजन तो वही है, आर अपॉन ओमेगा एल वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेंगे, एल अपॉन सी 1 प्लस, नहीं माइनस, यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, फिर से प्लस हो जा रहा था, 2 ओमेगा एल यहाँ पे प्लस आएगा, 1 प्लस जे जी अपॉन 2 ओमेगा सी, ठीक है। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हो गया रूट ओवर एल बाय सी, अभी भी हम कॉमन ही रखते हैं, और 1 माइनस जे आर अपॉन 2 ओमेगा एल प्लस जे जी अपॉन 2 ओमेगा सी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और जे इसमें हम प्लस, सो आर इंटू जी 2 ओमेगा एल सी, सॉरी 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो गया, फिर से सेम रीजन, ये वाला टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, एक बार यहां तक चेक कर लो और बताओ कि क्लियर है, कोई भी स्टेप में कोई डाउट, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आ गया रूट ओवर एल बाय सी, एक टर्म यहां पे आ गया माइनस जे आर अपॉन 2 ओमेगा 1 अपॉन रूट एल सी, देख के बताना सही है कि नहीं। आर अपॉन 2 ओमेगा कॉमन ले लिए, ये एल स्क्वायर को अंदर ले गया मैं, तो 1 अपॉन रूट LC हो गया विथ माइनस साइन, ठीक है। ठीक है, ये वाला टर्म को तो नेगलेक्ट कर चुके हैं, प्लस जे ठीक है, देखो इसको अंदर नहीं ले जाते क्योंकि ये सेकंड वाले में कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो इसको अंदर नहीं ले जाते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और रूट ओवर एल बाय सी प्लस जे जी अपॉन 2 ओमेगा सी रूट ओवर एल बाय सी, ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। चलो बताओ यहां तक सभी को क्लियर है, यही आ रहा है क्या सभी का, एक बार चेक कर लो, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं, मतलब पहले मैं लिख रहा था फिर उसके बाद मैं चेंज कर दिया, तो देख लो ये सही आ रहा है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि ये जेड नॉट को रियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, फॉर जेड नॉट टू बी रियल क्या करोगे, अब फॉर जेड नॉट टू बी रियल क्या करोगे और आंसर क्या आएगा ये बताना, फॉर जेड नॉट टू बी रियल क्या करेंगे और रिजल्ट क्या आ रहा है आपका। थैंक यू कृष्णा, आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम दैट आई एम लकी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर इन माई क्लास। हाँ, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो और क्या आएगा देखो,
इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो और क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट को जीरो करो और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आप बताओ। हाँ ये सही आया, आर अपॉन एल। ठीक है देखो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे रूट ओवर एल बाय सिक्स दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर अपॉन टू ओमेगा एल रूट ओवर एल बाय सी, ठीक है, ये माइनस साइन के साथ है, और प्लस जी अपॉन टू ओमेगा सी एंड रूट ओवर एल बाय सी शुड बी इक्वल टू जीरो। सो रूट ओवर एल बाय सी आपका जीरो हो गया, और यहाँ से टू भी जीरो हो गया, ओमेगा भी जीरो हो गया, तो ये आ गया माइनस आर बाई एल प्लस जी अपॉन सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कौन सी कंडीशन है बताओ, ये कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको? आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाय सी, ये कौन सी कंडीशन दिख रही है? यस, डिस्टॉर्शन लेस की कंडीशन दिख रही है। ठीक है, सो ये हमारा क्या कहना चाह रहा है कि अगर लॉसलेस, इनफैक्ट लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन है ना, अगर लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन है और अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस रियल है तो वो डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, ए लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन विथ रियल कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस विल बी ट्रीटेड एज डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। मैं लिख देता हूं यहां पे, ए लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन विथ रियल कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज डिस्टॉर्शन लेस लाइन। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। कई बार आपको लॉसलेस नहीं दिया रहेगा, लॉसी दिया रहेगा, मतलब लिखा रहेगा क्वेश्चन में ए लॉसी ट्रांसमिशन लाइन, तो आप लॉसी ट्रांसमिशन लाइन सोचते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बड़ा वाला। ठीक है, लेकिन लॉसी लिखा रहेगा बट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आपको रियल नंबर दिया रहेगा, तो आपको लॉसी का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको लगाना है किसका है, डिस्टॉर्शन लेस का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला वो ट्रांसमिशन लाइन ही डिस्टॉर्शन लेस बन गया, अगर ट्रांसमिशन लाइन डिस्टॉर्शन लेस बन गया तो पूरे के पूरे फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे डिस्टॉर्शन लेस वाले, मतलब हमको ये अल्फा का ये बड़ा वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली कौन सा लगा देंगे, अल्फा इज इक्वल टू रूट आर जी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइन है वो डिस्टॉर्शन लेस बन जाएगा, देन वी विल कॉल इट एज डिस्टॉर्शन लेस लाइन, देन अल्फा इज इक्वल टू रूट आर जी, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी, एंड वीपी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी, एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस विल बी जेड नॉट इक्वल टू रूट ओवर एल बाय सी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो तो मुझे ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतने पार्ट से आपको एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत सारी है, यहां इसमें नहीं आएगा तो कोई दूसरे एग्जाम में आएगा, गेट में भी आता है इतने ही पार्ट से क्वेश्चन, लेकिन हर बार आएगा गेट में जरूरी नहीं है, बट यस दूसरे एग्जाम में जरूर इतने पार्ट में से एक ना एक क्वेश्चन आता है आपको।
यस देनिस, तो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी जर्नी को एक साथ रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। अभी मैंने सिर्फ वो चीज़ बताया जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हमारे साथ लाइफ में होती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ लाइफ में हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली, जो जिसको फेस करना डिफिकल्ट होता है और उस सिचुएशन को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। तो आज जो मैंने अपनी जर्नी शेयर की IIT गुवाहाटी पहुंचने की, है ना, एक्चुअली मैं IIT गुवाहाटी पहुंचा वो बहुत ही आसान था। इंटरव्यू में क्या पूछा गया मुझसे, वो सारी चीजें हमेशा हम लोग टेक्निकल चीजें डिस्कस करते हैं। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं और हम खुद लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसी जर्नी थी जहां पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपको लग रहा है कि आप अपने ड्रीम के बहुत क्लोज हो, है ना, आप अब बहुत ज्यादा मेहनत किए, थ्रू आउट ईयर आप मेहनत किए, आप एक अच्छा रैंक भी ले आए, अब आप बस एक एक ही स्टेप दूर हो अपने ड्रीम से। जस्ट आपको IIT में जाने के लिए अपने इंटरव्यू में अपियर होना है, बस बस आपको क्या करना है कि इंटरव्यू में अपियर होना है। देखो वो इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर कर पाता कि नहीं, क्योंकि रैंक इतना ऑटोमेटिक इतना डिसेंट था कि गेट के स्कोर पे ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मेरे को इम्पोर्टेंट था कि मैं वहां अपियर हूं, वहां पे प्रेजेंट हो जाऊं, और मैं ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे पास था, मेरे पास टिकट्स थे, मेरे पास ट्रेन था, मैं टाइम पे पहुंच सकता था, कोई इशू नहीं था। जनरली इंटरव्यू इतने क्लैश होते हैं, बट मैं आराम से वहां पे पहुंच सकता था। और ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे टाइम पे अगर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, अपने माइंड को कूल रखना है, जल्द में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। देखो वहां पे ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि मैं मतलब पैनिक होके कानपुर में उतर जाता और मैं कुछ सोचता ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं सोचता, मैं ट्राई नहीं करता, तो हो सकता है कि मैं कानपुर में उतर जाता और मैं गुवाहाटी तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो बट फॉर्चुनेटली मैंने कुछ सोचा, मैंने ट्राई किया अपने तरफ से, अपने साइड से, कि मैं क्या बेस्ट अप्रोच लगा सकता हूँ, क्या तरीका हो सकता है कि मैं TT को कन्विंस कर पाऊँ, या मैं कहीं से मनी अरेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने सोचना चालू किया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है वो आज से 10 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है, जब ना गूगल पे होता था, ना पेटीएम होता था, ना एनीथिंग। अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ये सब होता तो आप इमीडिएटली अकाउंट में ट्रांसफर कर देते और डायरेक्टली हम बोल देते कि TT के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते और कन्विंस कर लेते। लेकिन ऐसी सारी सिचुएशन उस समय नहीं थी। आज के डेट में हो सकता है कि आपको वो इंसिडेंट काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये एक मैसेज है टू द ऑल स्टूडेंट्स कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज लाइफ में होगा, आपके साथ भी होगा, और उस अनएक्सपेक्टेड चीज को फेस करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपके मेंटल स्टेट को आपको इस तरीके से बनाना है कि आप ऐसे पैनिक सिचुएशन पे अपना पेशेंस लूज मत करो, अपना एंगर, अपना टेम्परामेंट, अपना कामनेस, ये अगर आप बनाए रखोगे तो डेफिनेटली आप हर सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, हर खराब से खराब सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। यस, सो थैंक यू जैनसु, इज एक्चुअली ऑसम, ही ऑलवेज बी देयर विथ मी एवरी टाइम वेन एवर आई से एनीथिंग। या जैनसु, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो यार, रियली मतलब आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ वी कैन मीट एनी टाइम इन द लाइफ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो एयरलाइन आपको यहाँ पे बोला है ना, तो एयरलाइन का मीनिंग है, एयरलाइन मीन्स एयर इज फील्ड बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दो कंडक्टर है हमेशा, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन इज ए टू कंडक्टिंग सिस्टम, और इस दो कंडक्टर के बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है या एयर फिल किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग
एयरलाइन ट्रीट करते हैं। तो एयरलाइन का मतलब यहाँ पे एरोप्लेन में यूज होने वाला ट्रांसमिशन लाइन, ऐसा कुछ भी मत समझ लेना, ठीक है। एयरलाइन का मतलब है एयर इज फिल्ड बिटवीन द टू कंडक्टिंग सिस्टम, टू कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, उनके बीच में अगर एयर फील्ड है तो ये हमारा बन गया लॉसलेस, क्योंकि एयर फील्ड है तो ये लॉसलेस लाइन हो गया, ठीक है। एयर फील्ड मतलब लॉसलेस हो गया क्योंकि एयर में आर की वैल्यू भी जीरो होगी और जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो आर और जी बोथ आर जीरो, इफ आर एंड जी बोथ आर जीरो देन द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जेड नॉट विच इज गिवन एज 70 इज इक्वल टू रूट ओवर एल बाय सी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। फेस कॉन्स्टेंट बीटा, ये वैल्यू हमको दी हुई है 3, विच इज ओमेगा रूट एल सी, है इक्वेशन नंबर टू हो गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210। मैं आपको बताया था कि आपको कभी भी कुछ सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि रूट एल की वैल्यू को यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से रूट सी कैंसिल हो गया और ये आ गया ओमेगा एल। तो एल की वैल्यू आएगी 210 डिवाइडेड बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एल का, और सी के लिए दोनों को डिवाइड कर दो तो 70/3। अच्छा ठीक है, जो यहां पे 70/3 इज इक्वल टू, ये हो गया रूट ओवर एल बाय सी एंड 1/ओमेगा रूट एल सी। सो यहां से कैंसिल हो गया, ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ आके और ये आ गया 1/c। तो सी इज इक्वल टू 3/70 इंटू ओमेगा मतलब 2 पाई f 100 × 10^6, ठीक है। तो यहां से हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी। थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन एस पावर माइनस सेवन हेनरी वगैरह में कैलकुलेट कर लो, 33 आ जाएगा। ठीक है, इसको नैनो हेनरी में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 334.2 नैनो हेनरी पर मीटर। ये याद रखना कि ये सारे कांस्टेंट जो है पर यूनिट लेंथ है, लिखा भी होगा, ये देखो पर मीटर आपको निकालना है, पर मीटर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसका यूनिट आप ध्यान रखेंगे कि ये पर यूनिट लेंथ है, अगर लेंथ दिया रहता तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते और फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस लिख लेते। लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन नहीं दिया हुआ है तो ये पर यूनिट लेंथ निकलेगा, और पीको फेरेड में आ रहा है ये 68.2 पीको फेरेड पर मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा एल और सी का। ठीक है, चलो, थैंक यू अनीता, ये आ गया सभी का। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं। थैंक यू अभिषेक डियर। ठीक
ठीक है यहाँ पे देखो, ए ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 500 मेगाहर्ट्ज हैज जेड नॉट इज इक्वल टू 80 ओम, अल्फा इज इक्वल टू 0.04, बीटा इज इक्वल टू 1.5 एंड द लाइन पैरामीटर आर एल जी सी। तो बताओ ये कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन लाइन है। चलो बिफोर सॉल्विंग द पहले क्वेश्चन आप मेरे को बता दो कि ये कौन से टाइप का ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट टेल विच काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यू आर कंसिडरिंग इट। आर इज इक्वल टू 3.2। ओके कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि अल्फा तो दिया हुआ है, तो अल्फा दिया हुआ है तो आप इसको लो लॉस बोलोगे कि डिस्टॉर्शन लेस बोलोगे। अल्फा दिया हुआ है तो लो लॉस बोलोगे कि डिस्टॉर्शन लेस बोलोगे। चलो ये बताओ लो लॉस कि डिस्टॉर्शन लेस। डिस्टॉर्शन लेस क्यों। ठीक है डिस्टॉर्शन लेस वाई, बिकॉज बिकॉज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जीरो है ना। जेड नॉट यहां पे रियल है, जेड नॉट रियल है एंड अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ये डिस्टॉर्शन लेस होगा। ठीक है जेड नॉट रियल अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है तो डिस्टॉर्शन लेस। तो अब डिस्टॉर्शन लेस का फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.04 इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बीटा इज इक्वल टू 1.5 ओमेगा रूट एल सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जेड नॉट इज इक्वल टू 80, ये आ गया रूट ओवर आर बाय जी या रूट ओवर एल बाय सी इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन है, चार पैरामीटर निकालने हैं, निकाल लो जल्दी जल्दी। ठीक है तो पहले हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से। तो अल्फा इंटू जेड नॉट, अल्फा इंटू जेड नॉट, जी और जी कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 3.2 ओम पर मीटर। ठीक है ये पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आ गया आपके पास। और क्या निकाले हो बताओ मुझे आर के अलावा। ठीक है ना, तो अब इन दोनों से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके जी भी निकाल देते हैं। तो अल्फा डिवाइडेड बाय जेड नॉट है ना, अल्फा डिवाइडेड बाय जेड नॉट इज जी, सिंपल यही आएगा। और तो यहां से जी की वैल्यू बता दो, अल्फा है 0.04 डिवाइडेड बाय जेड नॉट कितना 80। चलो निकालो 0.04 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ ठीक है मो पर मीटर। ओके नाउ एल और सी तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले वैसे ही निकालना है। एल और सी के लिए क्या करेंगे, दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको, टू और थ्री को। तो यह आ गया बीटा इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल, सो एल इज इक्वल टू बीटा जेड नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, बीटा 1.5, जेड नॉट 80, 2 पाई फ्रीक्वेंसी 500 × 10⁶। तो यहां से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू कितना बता रहे हो 33.1। ठीक है थर्टी एट पॉइंट वन नैनो हेनरी। ठीक है तो यस 38.1
नैनो हेनरी पर मीटर। ठीक है, सी का फॉर्मूला यहां से लिख लेते हैं। सी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन जेड नॉट ओमेगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो, बीट सी इज इक्वल टू बीटा अपॉन जेड नॉट इंटू ओमेगा, ये दोनों को डिवाइड कर लिए। ओके, सो बीटा की वैल्यू है 1.5, जेड नॉट की वैल्यू है 80, फाइव पॉइंट नाइन। चेक करो, यही आया था 5.9। यस, 5.9 पिको फैराड। चलो नेक्स्ट, चलो इसका आंसर आप बताओ, इसको मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ना चाहिए, इसका आंसर आप ही लोग कैलकुलेट करोगे। सॉल्व करो इसको, वन पॉइंट टू। ओके, ठीक है, देखो ये भी सेम है, यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि डिस्टॉर्शन लेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ अल्फा। अल्फा कितना दिया हुआ था, 20 मिली है ना, 20 मिली है, तो 20 × 10⁻³ लिख देता हूँ रूट आर जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, फिर बीटा भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि बीटा नहीं दिया हुआ है ना, तो बीटा नहीं दिया है लेकिन वीपी दिया है। वीपी इज इक्वल टू 0.6 × 3 × 10⁸, क्योंकि सी है, और ये कितना होता है 1/√LC, डिस्टॉर्शन लेस में यही होता है, इक्वेशन नंबर टू हो गया। और क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 60, यहां से हमको मिल जाएगा √RG और √L/C, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो आर इज इक्वल टू अल्फा जेड नॉट, मतलब कितना आ गया ये 60 × 20 ×
10 टू दी पावर माइनस 3, तो यहां से हमको r की वैल्यू मिली है 1.2, ठीक है, तो 1.2 ओम पर मीटर, ये पहला वैल्यू मिल गया था जो कि सिद्धार्थ ने बता दिया, ठीक है। और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो g मिल जाएगा, ठीक है, तो g इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय z नॉट 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय z नॉट मीन्स 60, तो यहां से हमारे पास g आ गया कितना 3.3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.33 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मो पर मीटर, यहां से हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 और 3 को, तो VP इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू रूट एल कैंसिल हो गया, तो 1/C आया, ओके 1/C, तो C इज इक्वल टू 1/VP, वीपी हो गया 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8 इंटू 0.6 इंटू जेड नॉट, मतलब हो गया 60। चलो देखते हैं ये आपका कितना आया था, यार है 92.59 पीको फैरड, है ना, तो 92.59 पीको फैरड पर मीटर, ठीक। और क्या बच गया, आर एल, एल बच गया, एल के लिए ये दोनों को डिवाइड कर दें, फ्रीक्वेंसी की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी ना ओमेगा की, तो वीपी डिवाइडेड बाय जेड नॉट, या उल्टा कर देते हैं, z नॉट डिवाइडेड बाय vp, तो z नॉट की वैल्यू है रूट ओवर l बाय c और vp की वैल्यू है 1/√LC, अरे मैं उल्टा लिख दिया, अच्छा 1/√LC, ठीक है, तो 1/√LC, तो ये 1/√LC, तो यहां से हमारे पास L आ जाएगा, तो L की वैल्यू है जेड नॉट अपॉन VP, तो जेड नॉट है 60, ठीक है, ये जेड नॉट अपॉन VP मतलब 60 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 रेस टू पावर 8, ठीक है, ये कितना आ रहा है 0.33 माइक्रो हेनरी पर मीटर। देखें एल क्यों ले लिए 2.09, एल की वैल्यू चेक करो तो 0.33 आप चेक कर लेना आपका क्या मिस्टेक है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट दिस,
टेलीफोन लाइन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन मानो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको RLGC दिया है। अच्छा ठीक बात बोल रहे हो। टेलीफोन लाइन को हम लोग क्योंकि R दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, टेलीफोन लाइन को क्या मान सकते हैं, सिंपल सिंपल आप मान लो R आपको दिया हुआ है, मतलब आप मान लो इसको डिस्टॉर्शनलेस लाइन, डिस्टॉर्शनलेस लाइन मान लो, क्योंकि R आपको गिवन है तो ये लॉसलेस तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे आपको R की वैल्यू गिवन है मतलब लॉसलेस तो हो नहीं सकता, तो या तो आप इसको लो लॉस मान सकते थे या तो डिस्टॉर्शनलेस मान सकते हो। तो लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही कम जगह पे यूज होता है। और अच्छा डिस्टॉर्शनलेस मान लो, और कोई पॉसिबिलिटी फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है। देखो हम लोग एक चीज और ये भी कर सकते हैं कि इसको लो लॉस भी एज्यूम कर सकते हैं, पर ठीक है आप इसको लॉसलेस मान लो, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो हम लोग थोड़ा इजिली जज कर पाएंगे। क्योंकि ये देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दिया है, अगर ये ऑप्शन में इमेजिनरी दिया होगा, सब सुन लो यहाँ पे, इफ इट इज इमेजिनरी है ना, ये अगर इमेजिनरी दिया होता ऑप्शन में है ना, इमेजिनरी अगर दिया होगा ऑप्शन में, तो आप इस लाइन को क्या लाइन मानोगे, लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इमेजिनरी आता है इन केस ऑफ लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, ना ही वो लॉसलेस में आता है ना ही वो डिस्टॉर्शनलेस में आता है। तो अगर ऑप्शन में हमको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इमेजिनरी दिया है तो वी विल गो फॉर द लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए डिस्टॉर्शनलेस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो एज्यूम इट एज डिस्टॉर्शनलेस। और वैसे भी ना टेलीफोन लाइन डिस्टॉर्शनलेस ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एट अ टाइम पहुंचेगी तभी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नहीं तो टेलीफोन लाइन में जब आप भेजोगे अपनी वॉइस आपकी जब जाएगी, तो अगर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगी और सेम टाइम पे अगर नहीं पहुंचेगा तो डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा है ना। जो रिसीवर है उसको सारी की सारी फ्रीक्वेंसी सेम टाइम में मिलने चाहिए, और उसके लिए लाइन का डिस्टॉर्शनलेस होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो सुनेगा कैसे, मतलब जो आपका मैसेज है वो एट अ टाइम नहीं पहुंचेगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द लाइन शुड बी डिस्टॉर्शनलेस ओनली टेलीफोन लाइन। तो ये डिस्टॉर्शनलेस अज्यूम करके आप कैलकुलेट करो, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट आर जी। तो ये देखो ये तो ऐसे ही जीरो हो गया, तो अल्फा की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो अब हम लोग इसको लॉसलेस भी एज्यूम कर सकते हैं। देखो यहां से हम लोग समझ सकते हैं अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब अब मैं इस डिस्टॉर्शनलेस को लॉसलेस भी मान सकता हूं। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक जो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है वो डिस्टॉर्शनलेस होता है। ठीक है, तो अल्फा जीरो आ गया, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी, तो यहां से भी हमको आराम से एक वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पर किलोमीटर दिया हुआ है, सारा कैलकुलेशन पर किलोमीटर में हो। ठीक है, यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो रेडियन पर किलोमीटर में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बीटा कितना आएगा देख लो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अच्छा एक चीज और यहां से, एक चीज और यहां पे समझ में आ रही है क्या, अगर एक चीज और यहां पे समझ में आ रही है, इसको डिस्टॉर्शनलेस लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे बताओ, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो अगर ये डिस्टॉर्शनलेस होता तो रूट ओवर आर बाय जी भी सेटिस्फाई करता, और जी की वैल्यू यहां पे जीरो दी है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, तो इस वजह से ये एक लॉसलेस लाइन ही होगा। अल्फा भी जीरो आ गया, ठीक है अल्फा भी जीरो आ गया, तो लॉसलेस हो ही गया,
बीटा भी आपको यहां से मिल गया। जेड नॉट की वैल्यू हम लोग रूट ओवर आर बाय जी नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। तो रूट ओवर एल बाय सी यहां से आ जाएगा, आपको कितना आ रहा था रूट ओवर एल बाय सी, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये मानेंगे तो 70.7 ओम आएगा। फेज वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा से निकाल लेना, यहाँ से जो भी आएगा वो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई तो आप गामा की वैल्यू डायरेक्टली जे बीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है गामा इज इक्वल टू जे बीटा। ठीक है, ठीक है। बाकी आप इसको चाहते तो अगर हम लोग देखो, मैं लॉसलेस एज्यूम करने के पीछे एक और रीजन था कि कैलकुलेशन हम लोगों को सिंपल रखना है, क्योंकि गेट में तो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो मैंने इसको लॉसलेस मान के सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम चाहते तो इसको हम जनरल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसा कि मे भी आपके सर्टिफिकेट में दिया भी हुआ है कि अगर आप चाहोगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया रहता हूँ ताकि आप इसको कैलकुलेट कर लो, कोई गलत नहीं है इसमें, है ना। हम लोग चाहते ना तो इस क्वेश्चन को देखो, हम लोगों को क्या क्या गिवन था, आर गिवन है, ठीक है, आर गिवन है ना, आर की वैल्यू गिवन है, R गिवन है, G जीरो है, ठीक है, L एंड C गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, ये सारी चीजें दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में पूछा था वो था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालना चाहते हो तो आप बिल्कुल निकाल सकते थे, R प्लस जे ओमेगा L डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा C। कुछ भी नहीं दिया है ना, अब कुछ दिया ही नहीं है तो क्या करें, जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, अगर हमको कैलकुलेशन को लेंथी ही लेके जाना है, अगर मैं एक कन्वेंशनल अप्रोच सोचूं तो ना ही मुझे लॉसलेस समझ में आ रहा है, ना ही मुझे लो लॉस समझ में आ रहा है, ना ही मेरे को डिस्टॉर्शन लेस समझ में आ रहा है, और ये भी मुझे नहीं पता कि टेलीफोन लाइन को हम लोग को क्या एज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम चाहते तो हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, रफली सेम आ जाता। आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते, आर की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं, R की वैल्यू 30 ओम है, है ना, तो यहां पे हम लोग 30 ओम पुट कर सकते थे। ये आ गया आपका 30 ओम प्लस J इंटू टू पाई
वन किलो हर्ट्स इंटू एल आपका जो भी वैल्यू गिवन था, ठीक है, जी जीरो है, जे इंटू टू पाई इंटू टेन एस्ट पावर थ्री सी की वैल्यू जो भी गिवन थी, तो जेड नॉट यहां से भी निकल सकता था, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को मैंने वैसा बोला आपको, है ना। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते थे, क्योंकि हमको नहीं पता है कौन सा मीडियम है, हमको नहीं पता कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, हमको नहीं पता, तो हम लोग डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्मूला यहां से भी यूज करते थे, यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा गामा आ जाता। थर्ड क्या पूछा था आपसे, फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी क्या होता है, तो फेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ, फेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, ठीक है। इस पे मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं मनमोहन, तो उसके लिए वरी ना करें। DFCCIL में EMT का या बाकी सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। ओमेगा बाय बीटा, तो यहां से हमको कंपेयर करने के बाद अल्फा और बीटा मिल जाएगा, उस बीटा को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वीपी मिल जाएगा। बोलो ये वाला लाइन समझ में आया, बताओ ये अप्रोच समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सॉल्व किया जा सकता है, बट अभी हम लोग कन्वीनियंट के लिए मान लिए थे कि वो डिस्टॉर्शन लेस है, ठीक है, या लॉसलेस है, तो अगर हम चाहते तो हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो बस सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहां पे लॉसलेस एज्यूम कर लिया, और थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सोच के कि अगर मेरा अल्फा जीरो हो रहा है तो मैं क्या एज्यूम करूं, तो मैंने इसको लॉसलेस एज्यूम कर लिया, लेकिन इसको बिना किसी ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम किए भी बनाया जा सकता था। ओके चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट द सेशन, तो हम लोग बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से इंजॉय किए, और थैंक यू अगेन फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे, एंड वी विल मीट टुमारो, ठीक है। तो हमारा क्लास का जो टाइमिंग है वो कल, यार ये ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे टुमारो एट 9:30 PM विथ मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी टाइप के, और फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ द क्रिएट्रिक्स, इसमें आपको सारे क्लास के अपडेट मिलते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब ऑल द यूट्यूब चैनल्स ऑफ अनअकैडमी, क्योंकि उसमें सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलो गुड नाइट।